नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भीतर की बात में आज हम इस ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक में INDIA की बैठक 31 तारीख और 1 तारीख की चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि इन दो दिनों के बैठक में किस तरीके से तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो मुंबई में आए हुए थे और मुंबई में एक बड़ी बैठक इनके द्वारा आयोजन की गई, लेकिन चर्चा इस बात की थी कि नीतीश कुमार जो है वो वहां से उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। नीतीश कुमार किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं उसकी भी तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन नीतीश कुमार वहां से जल्द ही लौट आते हैं, यानी कि मुंबई से पटना वो अकेले आना पड़ता है उनको। और जैसे ही पटना आते हैं उनका जो बिल्कुल शैली है वो बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आता है। भीतर की बात में आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, ये बताइए कि चर्चाएं भीतर खाने से ये चल रही है, हालांकि अभी तो ये ऊपर में नहीं है, लेकिन भीतर खाने में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार के हाव भाव बदले हुए लग रहे हैं। दिल्ली में, मुंबई में बैठक होती है, दिल्ली में जैसे ही वो लोग आते हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव मटन पार्टी करते हैं राहुल गांधी के साथ में, तो क्या इसके मायने निकल सकते हैं? सबसे पहले तो रत्न, 7 साल के बाद हम लोग साथ बैठे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बाबा, धन्यवाद। काफी लंबा यात्रा करके आप अपने पुराने घर में वापस आए हैं। धन्यवाद। और मैं भारत लाइव के दर्शकों से उम्मीद करता हूं और आग्रह भी करूंगा कि आप रत्नेश पर जैसे हम लोगों पर प्यार बरसाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही देते रहिएगा। जिस चर्चा के लिए रत्नेश हम लोग बैठे हैं, उस चर्चा में जो सबसे बड़ी बात है, ये चर्चा कहीं भी सुनने समझने और देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि इतना बारीकी से इस इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पोर्ट्रे किया है चीजों को कि आप ऊपर ऊपर देख करके नहीं लग कर सकते हैं। जी। जैसे आप रैपर देख करके कैसे बता सकते हैं कि इसके अंदर में क्या है, खोलिएगा तभी ना। बिल्कुल। और हम लोग क्या किए हैं कि उस रैपर को खोले हैं, कोशिश किए हैं खोलने का। जी। हल्का हल्का अंदाजा हिला डुला करके देखे हैं तो नजर आ रहा है कि कुछ है भारी जैसा आवाज कर रहा है भीतर से, लेकिन उत्सुकता और बढ़ गई कि थोड़ा और खोला जाए। जैसे हम लोग थोड़ा और खोला तो कुछ और बातें निकल करके सामने आई, जब और थोड़ा खोला तो थोड़ी और बात समझ में आ गई, यानी कि जो देखने को मिल रहा है वो वास्तविकता है नहीं। आपको याद होगा कि जब पटना की बैठक हुई थी तो चर्चा हुई थी कि हम लोग अगली बैठक बेंगलोर में करेंगे, बेंगलोर की बैठक में बहुत सारी बातें फाइनल हो जाएंगी। जी। आप एक बात समझिएगा कि लड़ाई आपको किससे लड़नी है, अपने दुश्मन से जब भी लड़नी है, आप जमीन की लड़ाई समझ लीजिए, आपको दुश्मन से लड़नी है तो 107 हो गया तो पुलिस आपको तो बनाने नहीं देती है, लेकिन साइड से पुलिस को पैसा देकर के आप बनाते हैं कि नहीं बनाते? बिल्कुल, बनाते बिल्कुल, हैं ना। बिल्कुल उसी अंदाज में लड़ाई दोनों की हो रही है, जहां इंडिया गठबंधन अभी पुलिस के इंतजारे में है कि इसका फैसला आएगा कोर्ट से ही होगा, तब तक इधर इंडिया गठबंधन जो है साइड से पैसा दे दे करके और अपना बिल्डिंग खड़ा कर रही है। साफ नजर आ रहा है कि लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी मकान बनाने में लगा हुआ है, ऐसा बाउंड्री बनाना चाह रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन अंदर नहीं घुस पाए। वहीं आप देख लीजिए कि ये लोग सिर्फ दिखाने में लगे हुए हैं कि हम एक हैं, लेकिन आखिर सीट शेयरिंग का समझौता कभी आपने सुना है कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के हंगामा हो रहा हो? नहीं, बिल्कुल। आप किसी भी दल से पूछ लीजिए, जो बिहार से भी जुड़े हुए 3-4-5 दल जो जुड़े हैं उनसे आप पूछ लीजिए तो कोई नहीं कहेगा, कहेगा क्या सब ठीक है, अरे हम लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका क्या मतलब मायने निकाला जाए कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो अभी भी संशय की स्थिति में है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन है उसके सभी लोग निश्चिंत हैं और जानते हैं कि इस 40 सीटों का मालिक कौन है। इस 40 सीटों का मालिक भारतीय जनता पार्टी है, मालिक जो उठा करके दे देगा वही गिफ्ट। बिल्कुल। सब इस बात को स्वीकार कर गए हैं और ये जानते भी हैं कि मालिक ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ किसी को कुछ दे देगा, एक ही थाली पर बैठा करके अलग अलग चीज नहीं परोसेगा। अब इन सारी बातों को लेकर के ये अगर चीज देखने को मिलता है इंडिया गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ डरे हुए हैं क्योंकि दुश्मन को कमजोर नहीं समझ रहे हैं। और इनका मकसद क्या है वो साफ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने पटना की बैठक में उनको लगभग किनारा कर दिया गया था, भंडोल हुआ खेल, दो लोग यहां से निकल करके गए, ममता बनर्जी को वाम पसंद नहीं था, कांग्रेस पसंद नहीं था, और केजरीवाल को कांग्रेस का एटीट्यूड पसंद नहीं था। बिल्कुल। यहां से तो लोग चले गए,
जाने का नतीजा हुआ कि जैसे ही दिल्ली पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब गठबंधन से कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद बेंगलोर बैठक हुई, नीतीश कुमार दिल्ली गए, जाकर के मान मनोबल किए, ये सब कुछ जानता है, ये पब्लिक डोमेन में है। वो सीधे पहुंचते हैं और पहुंच करके अरविंद केजरीवाल को समझाते हैं, मनाते हैं कि भाई और कोई कहीं रहे, हम आप साथ हैं ना, करे दीजिए ना सबको, हम लोग लास्ट में अपना फरिया लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस को ये लगता है, और खास करके लालू और कांग्रेस का इरादा जो है वो भाप करके, अब देखिए ना बार बार आप तस्वीरें आ रही हैं, कभी लालू प्रसाद तस्वीरों को साझा कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी के साथ बहुत आत्मीयता है, अपने हाथ से बना करके खिला रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी पर फैसला आया, उसका सबसे पहले कहां गए थे? लालू प्रसाद से मिलने गए थे कि भाई अब हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लायक योग्य हो गए हैं, आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि आपको तो अयोग्य हम ही घोषित किए थे। राहुल गांधी ने वो बिल नहीं फाड़ा होता, बिल नहीं लाया होता, तो आप क्या लगता है कि लालू प्रसाद अभी अयोग्य होते क्या? बिहार की कुर्सी पर वही बैठे रहते, बिल्कुल अब तक नीतीश कुमार को पटक भी दिए होते। कारण कि अभी जब इस उम्र में किडनी का ऑपरेशन करा लिए, अपने कह रहे हैं कि 36 को ऑपरेशन करा चुके हैं, और तब भी नरेंद्र मोदी को पटकनियां देने के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि रिंग में उलट देंगे पलट देंगे, कह रहे हैं कि नरेटिव पर चढ़ जाएंगे, नरेटिव पर चढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि दो बातें यहां बहुत महत्वपूर्ण है। पहली ये कि लालू प्रसाद को लग रहा है कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी हम दिला देंगे तो नीतीश कुमार नाराज हो गए तो बिहार की कुर्सी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में सामने खड़ा कर दिए तो नाराज हो जाएगी कांग्रेस, राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। यानी दोनों चीजों को कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि 2025 तक मैं ही हूं मुख्यमंत्री। इसके आगे जो सोचना है आप सोच सकते हैं, अगर बीच में सोचिएगा तो खेला भंडोल हो जाएगा। ये सारी बातें लालू प्रसाद और राहुल गांधी के बीच में जो हो रही है, कांग्रेस के बीच में जो हो रही है, और उसका समर्थन जो उधर से मिल रहा है, दो तीन दल हैं, जैसे आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, उनके साथ उनका पारिवारिक रिलेशन है, तो लालू प्रसाद जो कहेंगे उस बात को मानने के लिए अब तो मुलायम सिंह वाली बात है नहीं कि दोनों में टक्कर है, अब तो गार्जियन और बच्चे वाली बात हो गई है। तो अखिलेश यादव को जो समझाएंगे 80% तो जरूर समझ जाएंगे बात। दूसरा, ममता बनर्जी पूरी तरह से तैयार है, वो तो जानती है कि उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता है कोई पश्चिम बंगाल में, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि उनको कोई असर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्या होगा। इन सारी बातों को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कोई उलझने वाली स्थिति में है तो वो है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी सबसे प्रिय है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया, हम पिछले दो दिन से बता रहे हैं रत्नेश, कि नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई थी कि भीतर ही भीतर कोई बड़ा प्लान लालू प्रसाद और ललन सिंह बना रहे हैं। ललन सिंह ने के बातों को लेकर के कई बार ये कहा भी जा चुका था कि ललन सिंह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार 2025 तक कुर्सी देना नहीं चाहते हैं। इस बात को लेकर के ये भी कहा जाता है, जो इनके करीबी है, अब इस पूरे माहौल में जी। एक चीज तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे नीतीश कुमार के करीबी उनसे अलग होते चले गए, आरसीपी सिंह अलग हुए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, उसके बाद अब नंबर लगा हुआ है अशोक चौधरी का, ये सब लोगों को अलग करने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? और सबको अलग करने में कहीं ना कहीं हाथ जो है वो ललन सिंह का रहा है। तो लालू इस बात को कहीं ना कहीं ललन सिंह के माध्यम से पूरा करना चाहते थे कि दबाव बनाकर के नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारा जाए। नीतीश कुमार ये पूरा प्लान समझ गए थे, यही कारण है कि उन्होंने इस कमेटी में दो लोगों को शामिल करवाया बिहार से, और दोनों आपको पता है कौन है, जो उनके सबसे प्रबल दुश्मन थे, राजनीतिक दुश्मन। एक को मुख्यमंत्री बनना था और एक को उप मुख्यमंत्री बनना था। इन दोनों का पत्ता उन्होंने साफ कर दिया है और खुद को बेदाग बचा लिए कि आने वाले समय में अगर किसी भी तरह के नेगोशिएशन की जरूरत होगी, अगर जबरिया कहा जाएगा कि नहीं राहुल गांधी को ही बनाएंगे, तो कहेंगे तो चले हम अपना लोटिया कमंडल लेकर। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अचानक से, जब मुंबई की बैठक हो रही थी एक दिन पहले, जब लालू प्रसाद चले गए
तो उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि उन्हें अब कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा, आप लोग लगातार इस बात को वॉच कर रहे थे, उन्होंने 30 तारीख को ये बात कह दिया था। जैसे ही यहां से रवाना हुए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, उन्होंने कह दिया था कि उनको तो कोई पद चाहिए ही नहीं, उनका काम खत्म हो गया। उन्होंने जो किया है या मैं जो कर रहा हूं वो मेरा काम यही तक था, सबको एकजुट कर देना, अभी लोग आगे बढ़े काम करें, हम तो काम कर ही रहे हैं। सीधा सा संदेश था कि आप मुझे अपने खूंटे में नहीं बांध सकते, अगर कोशिश कीजिएगा बांधने का तो भूल जाइए सरकार में आप हैं। उसी समय सरकार का कहानी खत्म। और वहीं हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस बार एक बात बहुत मजबूती से कहते हैं कि नीतीश कुमार उस समय का वेट कर रहे हैं जब उनके पास 6 महीना के आसपास समय बचे जिसमें वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए नहीं जाए और आंतरिक मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनाव तक टिके रहे। अब इसी इंतजार में नीतीश कुमार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि लालू और कांग्रेस का जो बॉन्डिंग है उसका इरादा भाप करके नीतीश कुमार ने अपना प्लान जो है वो बदल लिया है और कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शन बहुत सारे खुले हुए हैं। एक ऑप्शन तो हिडन है जिसकी चर्चा कल आपने एक इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में नजर आ गया कि एक ऑप्शन तीसरे मोर्चे का खुला है, बस खाली नीतीश कुमार को सिग्नल देना है यानी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक सवाल ये है कि अगली जो बैठक होगी, तो अभी तो नीतीश कुमार भांप रहे हैं सारा कुछ, अगली जो बैठक INDIA की होगी उसमें नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा, ये भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि हमें आगे वाले बैठक में क्या फैसला लेना है। नीतीश कुमार ने तो मामला उलझा ही दिया, अब इस तार को सुलझाने में ये 14 सदस्यीय कमेटी और 5 अलग अलग कमेटियां बनी है ये तो पहले निकल रहे हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा गोली फेंका है जिस गोली को चूसने के लिए कोई तैयार नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन। आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है इस पर भारी नहीं पड़ेगा वन नेशन वन इलेक्शन? और नीतीश कुमार बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि कभी भी चुनाव हो सकता है? नीतीश कुमार के चेहरे पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए खुशी भी है क्योंकि वो बार बार कहते आ रहे हैं कहीं ना कहीं कोई हिडन एजेंडा है, हम बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं, भले सामने से नजर नहीं आया लेकिन भीतर की बात जो है अभी आपने सब कुछ खोल करके कह दिया और भीतर की बात यही है कि कहीं ना कहीं इस देश में एक राजनीतिक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है जिसको हो सकता है कि कांग्रेस अगर समझ गई हो, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी उस कमेटी का हिस्सा नहीं है, वरना आप ये मान के चलिए कि जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है, इसके मायने क्या होते हैं? इतना बड़ा संयोग तो नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के मन को तो नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आप रणनीति को पढ़ सकते हैं लेकिन अंदर की बात तो नहीं पढ़ सकते हैं। नीतीश कुमार जिस बात को कह रहे हैं कि इलेक्शन हो सकता है अर्लियर, तो फिर ये बातें अगर भारतीय जनता पार्टी करने के लिए एजेंडा बना रही है और इस पर वो अमल करना चाहती है, इसके लिए अलग से सत्र बुलाना चाहती है, तो इसका मायने क्या है? राजनीति में संयोग महज कुछ नहीं होता है, बस। चलिए, तो भीतर की बात में हमने आपको सब कुछ खोल के बताया है कि नीतीश कुमार का इन सब के इतर एक और बड़ा प्लानिंग चल रहा है, चेहरे की मुस्कुराहट है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और तमाम जो बीजेपी की चर्चाएं अंदर खाने में चल रही है, एनडीए गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, उस पर कहीं ना कहीं दोनों के तार नीतीश कुमार के और एनडीए के मिलते हुए नजर आएंगे। बहरहाल, जो भी चर्चाएं होंगी, भीतर की बात होगी, लगातार बाबा के साथ हम खुलासा करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल भारत लाइव, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।